जवाब दिया क्या? नहीं जी, हमारा डिटर्जेंट दिखता है, मार्केट का डिटर्जेंट दिखता है, हमारी सोप दिखती है मार्केट की। अगले को मार्केट की सोप कितने की पता ही नहीं है। जाते हैं ट्रॉली में सामान डालते हैं, पैसे लेके आ जाते हैं, वहां पे प्राइस देते ही है। यहाँ क्योंकि हम उन्हें समझा रहे हैं तो उनको लगता है प्रोडक्ट महंगा है, ठीक है ना। तो हमें उस पर बहस ही नहीं करनी है। मैडम प्रोडक्ट की एमआरपी छोड़ो, हमारे यहाँ पे एमआरपी पे नहीं मिलता, बहुत सस्ता मिलता है। आपकी एमआरपी बताओ, आप कितना कमाना चाहती हो, आपका कितना बैंक बैलेंस, ये बताओ। अगले को पॉजिटिव साइड। अगला सवाल रिगार्डिंग टू प्रोडक्ट पूछना है या प्रैक्टिकल जो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं। आप जो प्रोस्पेक्ट सवाल पूछता है वो सवाल पूछा। प्रोस्पेक्ट यही कहता है कि इसकी यूटिलिटी जो है वो लिमिटेड है, इसकी फैमिली छोटी है। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ, फैमिली बड़ी करना चाहते हो, लाखों दोस्त बनाना चाहते हो? डायरेक्ट सेलिंग वर्ल्ड का बेस्ट फ्रेंडशिप एसोसिएशन है, बहुत सारे दोस्त मिलेंगे। अब देखो सवाल का जवाब नहीं दिया, उनको पॉजिटिव साइड लेकर के गए, फिर उन्होंने मुझे यूटिलिटी छोटी है। सर जी एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ 5,000 रुपया 12 महीने लगाओ और 13वें महीने में आपको 50,000 रुपए की सैलरी दूंगी, जॉब दूंगी, आप करोगे? 5,000 रुपया 12 महीने लगाओ और 13वें महीने से 50,000 रुपए की जॉब कर लो, सैलरी ले लो, करोगे? Yes. यही हमारा बिजनेस है। तो 5,000 रुपीज का जो सामान खरीदना है, घर में ही काम में लेना है, उसको सेल करना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करनी है, हो गया काम। देखो एक बात बताऊं आपको, हम लोग क्या गलती करते हैं, मैं फिर से एक गलती बता रही हूँ। हमारा बिजनेस इतना बड़ा है, कर हमारे बिजनेस का बहुत बड़ा है और हमने उसका कर छोटा बना के रखा है। कर लेना प्लीज, कर लेना, तू कर लेना, मैं तेरी सब्जी भी मैं ला दूंगा, खाना भी मैं बना दूंगा, तू तो बस ज्वाइन कर ले, खिला भी मैं दूंगा, बस तुझे बचा लेना। हमारी ये गलती है, हमें बंदे को बताना है कि 5,000 रुपए महीने का प्रोडक्ट मूव करके 50,000 रुपए कमाना है तो हमारे साथ आओ। हमें अपने आप को कम नहीं करके आना चाहिए, वैसे भी जिसने नहीं करना वो हमारा 6 महीने 8 महीने खराब करेगा। इसे तो पहले से हमने उसको बोला कि 50,000 कमाना है तो बताओ भैया, 1,00,000 रुपया कमाना है तो बताओ भैया। और एक बात बताऊं आपको, आपको लाखों लोग नहीं चाहिए 1,00,000 रुपया कमाने वाले, कमाने की इच्छा रखने वाले, 6 लोग कमाने की इच्छा रखने वाले आपकी 6 पीढ़ियां सुधार देगी। तो इस दुनिया में 6 लोग तो आपको मिल जाएंगे आसानी से, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तन करके मैं किसी बहस नहीं करो, उदंडता नहीं करो, कड़वा नहीं बोलो, किसी की ईगो हर्ट नहीं करो, प्यार प्यार से स्माइल के साथ, अंदर ही अंदर मजबूत, बिल्कुल मजबूत, कोई हमें अंदर से हिला नहीं सकता, ऐसे अंदर की तरह पांव अड़ा के खड़े हो। क्या मजा आता मोदी केयर की मेरी टांग को हिला के दिखाए? आपको अपने आप से कहना है कि आपकी मोदी केयर की टांग को कोई नहीं हिला सकता, जैसे अंदर का पांव है ना, ऐसे दिखा के अंदर से मजबूत खड़े हो, मीठा मीठा बोलना है, ठीक है। हाँ जी और कोई सवाल? मेरा नाम हर्षिता कटारी है और मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। हमने किसी से मीटिंग की थी तो उन्होंने, मैंने उन्हें टेस्ट का डेमो दिया था तो उन्होंने बोला कि आप तो हमें सेंसोडाइन ले जाओ, और उनसे हमने बोला कि आप सेंसोडाइन ने उनको बताया कि 1 ग्राम की आती है, क्वालिटी अच्छी आती है पर ये दाम में ज्यादा आती है और इसकी जो क्वांटिटी है वो भी कम है। ये पहले तो तालियां हो जाए हमारी इस टीम के लिए। जब कोई कहे सेंसोडाइन ले जाओ, उसको बताओ, आप पूछो कि आप कितने समय से सेंसोडाइन काम में ले रहे हो, आपके मसूड़े दांत सब कमजोर हो जाएंगे। उसने एक ऐसी चीज मिली हुई है जो दांतों को, आपकी सेंसिटिविटी को ठीक करती है पर दांतों को और कमजोर करती जाती है। आप हमारा मोदी कैसा लेके जाओ, आपके दांतों की सेंसिटिविटी भी ठीक हो जाएगी, और नहीं आए तो 25% यूज करके मुझे वापस कर देना, आपके लिए फ्री है, ठीक है बेटा। तो भैया जोरदार तालियां हो गई। देखो यहाँ पे क्या बात भी समझो, हमें हमारी जो फ्री रिटर्न की पॉलिसी जो है ना कि भैया 25% तक यूज करके
सेंसोडाइन यूज करने वाले बताते हैं रात को ब्रश करते सोते सुबह के मुंह में बदबू होती है, वो बदबू जाती नहीं है, ये सच है अपने मतलब ब्रश को क्यों करता है, फ्रेशनेस के लिए, फ्रेशनेस होती नहीं है। और ये भी सच है लगातार सेंसोडाइन यूज करोगे तो कसूरे और कमजोर हो जाएंगे, दांत और खराब होंगे। उनको बोलो भैया ठीक है आपको सेंसोडाइन पसंद है, आपको काम में लो, बीच में उसको ब्रेक दो, ये वाला काम में लेके देखो, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो जिंदगी भर के लिए आपका हो जाएगा। ऐसे ना ऑटो रिक्शा होती है ना, ऑटो रिक्शा कैसे नाक होती है ना उसकी, नाक लेके ऐसी घुस जाती है ना, हमको भी ऐसे होना है, नाक लेके कहीं ना कहीं घुस जाएंगे। मैंने वो ये मोदी कह रहा सोप यूज करने के बाद बात चढ़ने लगी, इसका क्या उधर में सोप यूज करने के